स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक स्मार्ट रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और अब आप देखिए डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी वक्त निफ्टी हरे निशान में आ जाएगा। 8 अंक की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी देखिए 44 अंक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक बेहतरीन रिकवरी भारतीय बाजारों में आज देखी जा रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक गिरने वाले शेयर के सामने, करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर, 2 लाख करोड़ का वॉल्यूम भी भारतीय बाजारों में हो चुका है। चलिए ऐसे मौके पे आपको निफ्टी में क्या ट्रेड लेना चाहिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। हाय समित, गुड आफ्टरनून। एक अच्छी रिकवरी, बताइए पुलबैक कहां तक जा सकता है और कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को आज आप? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए लास्ट 2 वीक्स में निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी है लो लेवल से, 7540-7550 से। हवेयर अगर अब हम देखें तो 8100 से लेके 8200 जो एक डाउनसाइड गैप एरिया था 24 अगस्त को जो क्रिएट हुआ था, वो अभी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस करके एक्ट होगा। तो डायरेक्शनली अभी व्यू कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ जैसे 8050-8150 ये लेवल्स है, वहां पे निफ्टी को स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अभी ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे नहीं जाना चाहिए। जो लास्ट वीक लो लेवल्स पे लॉन्ग साइड क्रिएट की हुई थी, वो भी ये कोई भी बाउंस यहाँ से एक्सटेंड होता है ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास, तो वहां पे थोड़ी पोजीशंस लाइटन अप करनी चाहिए। और अभी अगर डायरेक्शनली कोई व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में बाइंग साइड पे व्यू नहीं लेना। लैब्स यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यूएस एफडीए ने स्पेन फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया है जिसमें एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। 483 फॉर्म में कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सामने नहीं आया है और कंपनी को इस वक्त 3 यूएस एफडीए अप्रूव फैसिलिटीज हैं, 2 स्पेन में और 1 मेक्सिको में। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी के लिए। और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स आज दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। पहले तो उसमें 2 खबरें हैं। सबसे पहले ये बेन कैपिटल जो कि पी निवेशक हैं, इसमें इसको 708 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर और वारंट जारी करेगा। ये वारंट 74 रुपए प्रति शेयर पर जारी होंगे। हालांकि इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि L&T ने स्टेटमेंट दिया है जिसमें L&T फाइनेंस की तरफ से इनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए। बेन कैपिटल को जो इन्होंने हिस्सा बेचा है उसके बाद उसकी हिस्सेदारी 10% की होगी। कोइंसिडेंटली आज L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के शेयर में एक ब्लॉक डील भी हुई है। करीब 5% का इक्विटी एक्सचेंज हुआ है 68.90 प्रति शेयर पर। DTH और केबल नेटवर्क्स में सरकार 100% FDI बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि डिश टीवी के काउंटर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसी के साथ होटल इलाके काउंटर में भी काफी एक्शन बना हुआ है, करीबन 1.5% की भी तेजी देखने मिल रही है। कंपनी अपना डेट कटाने के लिए अपना जो गोवा का होटल है वो 725 करोड़ में बेचेगी। कंपनी का डेट करीबन अभी 5018 करोड़ का है। आपको बता दूं कंपनी का जो ये असेट है गोवा की, वो सबसे हाई परफॉर्मिंग असेट है। वो एबिटा पे करीबन 38% का कंट्रीब्यूशन करता है। उसी के चलते मार्केट में चिंता चल रही है और जो हाइस थे उससे भी काफी लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सन फार्मा और स्ट्राइड्स आर्कोलैब आपके रडार पे हैं और आज इन दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। स्ट्राइड्स आर्कोलैब को दरअसल सन फार्मा ने रैनबैक्सी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इनको बेच दिया है। ये पूरा ही सौदा 165 करोड़ में हुआ है और ये एक्विजिशन स्ट्राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि CNS मार्केट में भारत में और कारोबार या विस्तार करने में इनको मदद मिलेगी। शुक्रवार को 15% की तेज गिरावट के बाद आज स्ट्राइड आर्कोलैब के काउंटर में करीबन 6% की दमदार तेजी देखने मिल रही है। दिग्गज ब्रोकिंग हाउस क्रेडिट स्विस ने जो रेटिंग है उसे न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्मेंस की है। टारगेट प्राइस 480 का किया है। उनके मुताबिक एक्सेस मास्को फर्नांड जो है वो भी काफी NBFC में टॉप पिक्स है और जो फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी है, भले बैंकिंग लाइसेंस ना मिला हो, इनटेक है उसकी वजह से उनका एक टॉप पिक रहा है। उसी के चलते उन्होंने जो रेटिंग है आउट परफॉर्मेंस की है। मेटलिस्ट फोर्जिंग्स यहाँ पर एक फंड एक्शन देखने को मिला है। JMP सिक्योरिटीज की तरफ से बिकवाली हुई है। JMP सिक्योरिटीज ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर 45 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। चलिए बा तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। इसी बीच बाजार पर नज़र रखिए। आप देख सकते हैं 7 अंक की ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है निफ्टी में। एक अच्छी रिकवरी देखी जा रही है बाजारों में। और अगर आप यूरोपीय बाजार देखें तो आप पाएंगे फ्रांस और UK के मार्केट्स यानी CAC और FTSE में एक अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। और डैक्स आप देखिए लाल निशान में ट्रेड करता हुआ। एथेक्स यानी कुछ ही देर में खुलेंगे बाजार एथेक्स के और देखेंगे ग्रीस के मार्केट्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि रविवार को जो वहां पर आउटकम निकल कर आया था पोल्स का, उसमें सिप्रस वापस
पीएम बन गए थे पोलिंग के बाद। चलिए लेकिन समित हमारे साथ बने हुए हैं। समित, कुछ स्टॉक्स पर जिन पर आपसे राय लेना चाहूंगा। IDBI बैंक रडार पर फिर से आता है, अब 13% मजबूत है, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या शॉर्ट कवरिंग के चलते इतनी तेज रैली है? देखिए खबरें तो पॉजिटिव हैं लेकिन 13% की तेजी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। देखिए हम अगर इसकी रिसेंट ट्रेंड देखें तो वो नीचे की तरफ थी, तो पॉसिबल है यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुआ है उसके चलते अब इसमें ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, नॉट श्योर अबाउट इट। बट अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो यस डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है हमको लोअर लेवल से। 61-62 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो भी इसने कन्विंसिंगली क्रॉस कर दिया, तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। बट इसको नियर टर्म में 72-73 का एक मेजर हर्डल होगा स्टॉक को। अगर ये साइडवेज जोन से अगर बाहर निकलना है तो इसको 72 का लेवल क्रॉस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे होता है तो इसकी जो अपमो आज आई हुई है वो कंटिन्यू रह सकती है। और अगर ये स्टॉक अगर फेल होता है ये 72 का लेवल क्रॉस होने में तो मेरे ख्याल से हायर लेवल पे इसमें सेलिंग प्रेशर आएंगे। पावर रिलेटेड कंपनियों में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आप देखिए अडानी पावर हो या फिर CESC हो, PFC, REC, जिंदल स्टील एंड पावर, लंबी लिस्ट है उन पावर कंपनियों की जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। सरकार ने जिस तरह से पावर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, लगता है उन्हीं खबरों का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। पावर सेक्टर में कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो और खासतौर पर PFC REC पर आपसे राय लेना चाहूंगा, 4-4% की शानदार तेजी यहां पर। यस देखिए मैं अगर PFC की बात करूँ तो 225-228 एक अच्छा लेवल था जहाँ पे इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था। दो दिन पहले ही इसने ये मूव स्टार्ट की हुई थी ऑलरेडी। अगर हम देखें तो लास्ट दो दिनों में ये स्टॉक 222 से लेके अभी 235-237 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये इसका जो मूवमेंट है वो और कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ। इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो अराउंड 242-245 है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट एक से दो दिनों के लिए ये जो उसका मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और ऊपर की तरफ 42-44 का लेवल आप PFC में मान के चल सकते हैं। काफी सारे PSU बैंक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यूको बैंक 5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, आंध्रा बैंक में 3.5% की मजबूती है, फेडरल बैंक, OBC, सिंडिकेट बैंक, ये तमाम बैंक हैं जो 3% से के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। इन छोटे मझोले बैंकों में कोई बैंक आपको पसंद आ रहा है चार्ट्स पर? देखिए स्पेसिफिकली अगर PSU बैंक्स की बात करें तो हमने मतलब लास्ट एक से डेढ़ वीक्स में हम पॉजिटिव थे बैंक ऑफ बड़ौदा पे। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी पॉजिटिव है, हालांकि रिसेंटली इसने करेक्शन देखा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 210-215। बट हम देख रहे थे कि 170 का इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है और प्रिसाइसली ये स्टॉक ने वहीं से रिबाउंड किया है। तो अगर PSU बैंक्स में हमें ज्यादा किसी में फोकस करना था वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, क्योंकि अगर इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें एज कंपेयर टू अदर बैंक्स है तो ये काफी पॉजिटिव है विद अ ब्रॉडर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो। तो इसमें ज्यादा हमने फोकस किया रादर देन जो स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे, वो ऑब्वियसली रिबाउंड हो रहे हैं, बट हमारा फोकस ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा पे था। ऑलराइट, चलिए रेट सेंसिटिव स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा रहे हैं। आप देखिए GMR इंफ्रा पिटे हुए स्टॉक्स, JP एसोसिएट्स, JP पावर, इवन अरविंद इंफ्रा जैसे स्टॉक्स देखिए लगातार बढ़त दिखाते हुए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसा बताया है, चलिए इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।